ग्लोबल T20 कनाडा यानी कि कनाडा का T20 लीग काफी धमाकेदार मैच होते हैं, लेकिन भाई मेरे लंका प्रीमियर लीग जस्ट होके आ रहा है तो अलग पैटर्न का ये लीग होता है ग्लोबल T20। आदत होगी आपको सेशन यस करने का, IPL में सेशन यस करने का अलग तरीके का लीग होता है। अगर उस पैटर्न से खेलोगे इस मैच में आपका नुकसान होने वाला है। तो समझो पहले ये लीग कैसा है, क्या स्कोर बनते हैं, कौन सी टीम को पकड़ के चलना है, कौन सी टीम से बच के रहना है, कौन सी टीम जैकपॉट मैच देगी, घोड़ा टीम बनेगी इस सीजन ग्लोबल T20 कनाडा के चौथे एडिशन में। 3 एडिशन हो चुके हैं सक्सेसफुल, चौथा एडिशन खेला जाएगा, बहुत अच्छा मुकाबला होता है। अगर देखा जाए इंटरनेशनल प्लेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ज्यादातर कनाडा के प्लेयर इसमें खेलते हुए नजर आते हैं। तो सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, ग्लोबल T20 कनाडा 2024 में कौन जीतेगा, हर मैच का प्रेडिक्शन इस वीडियो में मिलेगा। 100% एक्यूरेसी के साथ मैच और सेशन में काम दिया जाता है, जैसा कि जानते हो जो हमसे जुड़े हैं। आपको बता दूं ग्लोबल T20 में 6 टीम है, 25 मैच है, 21 ग्रुप स्टेज मैच होगा और 4 मैच क्वालिफायर फाइनल मिला के ये सब मैच होंगे। 26 जुलाई को पहला मुकाबला, 11 अगस्त को फाइनल मैच खेला जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे 25 जुलाई तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम से, मैं बता रहा हूँ 26 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, वहां के टाइमिंग के अनुसार से 25 तारीख को ही स्टार्ट हो रहा है। तो भाई मेरे जैसा कि जो हमसे जुड़े हैं बैक टू बैक काम प्रॉफिटेबल काम दिया जा रहा है। अगर नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप नंबर पहले सेव कर लो, ग्लोबल T20 कनाडा का आपका ब्रॉडकास्ट मिल रहा है, बन रहा है, उसमें ऐड हो जाओगे। 9319409525 व्हाट्सएप नंबर है, नंबर ही मेरी पहचान है। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, साथ में आपको कमेंट भी सेक्शन में भी दे दूंगा। अब बात करेंगे ग्लोबल T20 कनाडा में जो कि टीम है, 6 टीम है, कौन कौन सी टीम है। ब्रैम्पटन वुल्व्स है, टोरंटो नेशनल है, वैंकूवर नाइट्स है, सूर्य जगुआर है, बांग्ला टाइगर मिसिसागा है, मॉन्ट्रियल टाइगर है, मॉन्ट्रियल टाइगर जो कि 2023 की कप विनर डिफेंडिंग चैंपियन है। और जहां पे वैंकूवर नाइट की बात करेंगे सक्सेसफुल टीम है, दो बार फाइनल खेल चुकी है, एक बार फाइनल में हारी है, 2019 का एडिशन था। तो एक बात ध्यान रखना भाई मेरे, जो भी मैच होने वाले हैं एक ही पिच पे होने वाले हैं, CAA सेंटर ब्रैम्पटन में मैच खेला जाएगा, यहाँ का जानना जरूरी है पिच कैसा बिहेव करता है, कैसे यहाँ पे मुकाबले होते हैं। जितने भी मैच हुए हैं 30 में से 9 सिर्फ फर्स्ट बैट जीती है, 21 सेकंड बैट जीती है, 161 का एवरेज स्कोर है। स्कोरिंग पैटर्न देखोगे बिलो 150 14 मैच में, 6 मैच में 150 से 69 के बीच स्कोर लगे हैं, 170 से 89 दो मैचों में, अबव 190 8 मैचों में लगे हैं। ध्यान रखिएगा ज्यादातर चेस के मुकाबले हो, चेसिंग वाले मैच इस पिच पे बहुत ज्यादा हुए हैं। पिछला सीजन भी अगर देखोगे पिछला सीजन में जितने भी मैच हुए हैं उसमें 25 में से 8 फर्स्ट बैट और 13 सेकंड बैट जीती है, स्कोर ज्यादा बनता नहीं है, 140 से 160 के बीच पिछला सीजन स्कोर लगा था, इससे ज्यादा स्कोर बना ही नहीं था। स्लो विकेट है थोड़ा बैट्समैन, और एक ही पिच पे ज्यादातर मैच होने के कारण पिच धीरे धीरे स्लो होता जाता है। स्कोर यहाँ पे 5-6 मैच के बाद ही आपको स्कोर दिखेगा, 140 150 ऐसे लगना है। स्टार्टिंग मैच हो सकता है चेसिंग वाले हाई स्कोरिंग मैच 160 प्लस स्कोर भी लगे, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग मैच चेस के फेवर में जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू पिच यूज होने के कारण यहाँ पे स्लो क्रैक्स आएंगे, पिच स्लो होगा, बैट्समैन को तकलीफ होगी, बॉलर फ्रेंडली पिच बन जाएगा। अब कौन कौन सी टीम पकड़ के चलना है, पंटर टीम जो हर मैच में आपको पकड़ के चलना है, जब भी इन दोनों टीम का मैच, मॉन्ट्रियल और बांग्ला टाइगर मिसिसागा दोनों टीम को पकड़ के चलिएगा, हारेगी भी आपको 20-30 पैसे ऐसे लग के हारेगी, आपको लो ऑड्स लग जाएगी, बुक प्लस हो जाओगे दोनों टीम पे, ध्यान में रखिएगा, समझने वालों की इशारा काफी है। घोड़ा टीम जो कि जैकपॉट टीम है, वैंकूवर नाइट और सरे जगवार दोनों टीम इस सीजन की, वैंकूवर नाइट ऐसे तो क्वालिफाई भी कर जाएगी लेकिन जितना जैकपॉट मैच ये देने वाली है किसी सीजन नहीं दी है आज तक, इस सीजन तैयार हो जाइए वैंकूवर नाइट के जैकपॉट कैश करने के लिए। सारे जगुआर सेम ऐसे ही जैकपॉट टीम है, दो टीम से बच के रहिएगा, टोरंटो नेशनल ब्रैम्पटन वुल्व्स दोनों टीम से बच के रहिएगा लगाने खाने के एंट्री से। अब एक चीज ध्यान रखना भाई मेरे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो कि अनअवेलेबल है, जैसे पाकिस्तान ने जैसे बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी ज्वाइन होने वाले थे, NOC ही नहीं दिया जिससे कि अनअवेलेबल रहेंगे, और कुछ टीमें में चेंजेस आ सकते हैं, उनके जगह पे कुछ प्लेयर ऐड होंगे, ऐसा तो नहीं है जगह खाली रहेगा, प्लेयर आने वाले हैं जैसे रिजवान, बाबर आजम, रिजवान विकेट कीपर था तो कोई तो विकेट कीपर आएगा ही। तो अपडेट कुछ चेंजेस अपडेट होगा टेलीग्राम पे दे दूंगा, अगर इस टीम में कुछ चेंज अपडेट होगा तो ध्यान रखिएगा ज्वाइन कर लेना। ग्लोबल T20 कनाडा में 2023 की बात करेंगे, 25 मैच खेले जा चुके थे, 8 डिफेंड और 13 चेस हुआ था, 4 नो रिजल्ट रहा था। 2023 में हाईएस्ट स्कोर बना था 164 जो कि डिफेंड हुआ था,
टोटल 10 जैकपॉट मैच हुए थे 6 डिफेंड के 4 चेस के। इस सीजन में ग्लोबल टी20 कनाडा में 2024 में 9 जैकपॉट मैच होने वाले हैं, 25 में से 9 जैकपॉट मैच ऐसे मैच होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 9 जैकपॉट मैच होंगे, 30 पैसा 20 पैसा से वहां से टीम उड़ेगी। स्ट्रेट मैच 6 मैच स्ट्रेट होने वाले हैं और ध्यान में रखिएगा प्रोपर एंट्री वाले 10 मैच होंगे जिसमें से आपको 60-70 पैसा बिलो से एंट्री आपको स्टार्ट करना है, ऐसे मैच होंगे। तो ये समझ में आ गया ग्लोबल टी20 कैसा मैच है। देखो अब बात करेंगे ग्लोबल टी20 के क्रैक कैसे करोगे, कैसे इसमें एंट्री लोगे, कैसे कमाओगे। ग्लोबल टी20 एक डोमेस्टिक लीग है और सिमिलर में मतलब पैरेलल में बहुत सारे ऐसे लीग चलने वाले हैं, द 100 चलने वाला है, तो 100 आपके लिए बेस्ट है कमाने वाला है। लेकिन ग्लोबल टी20 में आपको टाइमिंग भी थोड़ी, एक मैच 8:30 बजे होगा, एक मैच 1:30 PM पे होगा, तो 8:30 वाले मैच कवर कीजिएगा, अच्छा मुकाबला होगा। और ध्यान में रखिएगा जितने भी ये डोमेस्टिक लीग है इसमें उतने ज़्यादा बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, कुछ रिटायर्ड प्लेयर हैं, कुछ डोमेस्टिक वहाँ के कनाडा के डोमेस्टिक प्लेयर है। तो अगर इसको कवर कर रहे हो तो एक सेपरेट लिमिट रखो, इसके अलावा अगर द 100 को करना ही है तो सेपरेट लिमिट इसके लिए रखना, इसके में इसके अलावा अलग से कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर मान लो आपकी लिमिट 50,000 की है तो 40% लिमिट जो कि कनाडा के लिए, ये ग्लोबल टी20 कनाडा के लिए यूज करना, इससे ज्यादा नहीं, अब उसको भी अलग अलग पार्ट में यूज करना। बात करेंगे ग्लोबल टी20 में टोटल यहाँ पे 70% मैच ऐसे होंगे जो कि चेसिंग के फेवर में होंगे और 30% डिफेंडिंग के मैच होंगे, और डिफेंडिंग वाले जितने भी मैच होंगे जैकपॉट मैच होंगे, ये ध्यान में रखना डिफेंडिंग के मैच जैकपॉट होने वाले हैं, चेसिंग वाले मैच स्ट्रेट होंगे, स्ट्रेट चेस करके टीम जीत जाएगा, स्कोर बनता ही नहीं, 140 बनता है, 150 बनता है, और आसानी से ये सब रेट भी ऐसे जो 140 है उसके अगेंस्ट ही रखेगा और आसानी से चेस हो जाएगा। मोस्टली मैच जैकपॉट डिफेंडिंग के होते हैं, ध्यान रखना एक पिच यूज होता है, जैसे कि बताया धीरे धीरे पिच क्रैक होते जाए, क्रैक आते रहेंगे पिच पे और स्लो होते जाएगा, स्कोर कम बनते जाएगा, स्कोर ज्यादा स्कोर बनेगा नहीं। एंट्री जब भी करना ग्लोबल टी20 में एक बात का ध्यान रखना, जब भी ग्लोबल टी20 में एंट्री करना अंडर 60 पैसा के ऊपर कभी आपको एंट्री नहीं करना है, अंडर 60 पैसा के बिलो ही करना है, 60 पैसा के ऊपर कभी भी एंट्री नहीं करना है। अगर मैच में कमाना चाहते हो तो ये ग्लोबल टी20 के लिए लिख के ले लो और दिमाग में बैठा लो, 60 पैसा के ऊपर किसी भी टीम के 60 पैसा खाने की एंट्री के अलावा नहीं करना है एंट्री। अगर आप किसी टीम पे बैठ रहे हो जैसे मॉन्ट्रियल टाइगर और मिसिसागा का मैच हो रहा है, अगर आप मिसिसागा विन कर रहे हो तो मॉन्ट्रियल टाइगर 60 पैसा हो तभी वहां से विन करो, यानी कि खाने की एंट्री, इसके अलावा एंट्री का लालच मत कीजिएगा, ऊपर के रेट की एंट्री का अवॉइड करना है। एवरी मैच में जब भी मैच हो इस डोमेस्टिक लीग में लॉस कॉट बुक सेट करके चलना, और लॉस कॉट बुक सेट जिसको दूसरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो रखा है देख लेना कैसे होता है। टीम पे बैठ के कभी मत चलना, टीम के साथ चिपक के मत चलना, नुकसान हो जाओगे, डोमेस्टिक लीग है बहुत आप समझ जाओ, वहाँ पे लीगल भी है ये सब, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। अब देखो सेशन कैसे करोगे, वहाँ पे सेशन 6 ओवर, जैसे कि फर्स्ट इनिंग में 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर होता है, और यहाँ पे पावर प्ले में एक होता है पावर प्ले का सेकेंड इनिंग का 6 ओवर, इसके अलावा आपको सेशन टच भी नहीं करना है इस लीग में सेशन कर रहे हो। और ध्यान में रखना एक ही पिच पे मैच हो रहा है, कलरफुल मैच देखने को मिलेगा लेकिन सेशन आपको कलरफुल देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको डेली वीडियो देख लेना, डेली वीडियो का अपडेट मैं दूंगा, वीडियो में कैसे सेशन होने वाले हैं उस पर जरूर ध्यान देना। रेन इफेक्टेड मैच बहुत होगा, तो रेन इफेक्टेड मैच में आप कभी भी हाथ मत डालना ग्लोबल टी20 में, इस बात का ध्यान रखना नहीं तो आपका नुकसान होने वाला है लंबा। बहुत सारे ऐसे समझ जाओ कि 5 से 7 मैच रेन वाला मैच होने वाला है, बहुत बारिश होती है जब मैच यहाँ पे कनाडा में खेला जाएगा, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और चेंजेस होते हैं, कुछ अपडेट आता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, नंबर सेव कर लेना, ग्लोबल टी20 का ये ब्रॉडकास्ट बन रहा है उसमें ऐड हो जाओगे। वीडियो चला तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।